ये मौका परस गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीनों महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है, और अभी ये दो परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित होकर के आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, ये प्रताड़ित होकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है, इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। एनडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है, ये तस्तीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं, ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर, आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया, और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे? क्या इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे?